बिलासपुर जिला के सदर हलके के पूर्व विधायक बंबर ठाकुर के बेटे पुरजन ठाकुर और उनके तीन दोस्तों से मंडी पुलिस ने 448 ग्राम चरस पकड़ी है। चारों आरोपित मनाली से बिलासपुर की तरफ जा रहे थे। सदर पुलिस ने थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सुनील कुमार की अगुवाई में मनाली चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर मंडी शहर से करीब 4 किलोमीटर दूर वृंदावाणी में वाहनों की जांच पड़ताल करने के लिए नाका लगा रखा था। मनाली की तरफ से आ रही एक लग्जरी कार को रोककर पुलिस ने तलाशी ली तो बैग में छिपा कर रखी 448 ग्राम चरस पकड़ी गई। पुलिस ने चारों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पूछताछ के दौरान पता चला कि गाड़ी बिलासपुर सदर हलके के पूर्व विधायक बंबर ठाकुर के नाम पंजीकृत है। एक आरोपी पुरंजन ठाकुर पूर्व विधायक का बेटा निकला। तीन अन्य आरोपियों को पुलिस शिनाख्त करवा रही है। थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सुनील कुमार ने पूर्व विधायक बंबर ठाकुर के बेटे और उनके तीन दोस्तों से 448 ग्राम चरस पकड़े जाने की पुष्टि की है। आज दिनांक 20/18 को सुबह नाकाबंदी के दौरान भ्यूली चौक में एक गाड़ी HP 69 2323 को रोका गया। दौरान चेकिंग उसमें चार युवक पाए गए। जब गाड़ी को चेक किया गया तो गाड़ी के डैशबोर्ड में 498 ग्राम चरस कैनाबिस बरामद हुई है, जिसे सीज कर लिया गया है। गाड़ी को भी कब्जे में ले लिया गया है। और जो चारों आरोपी हैं उनमें से एक आरोपी जो है वो बाल अपचारी है तथा तीन आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्वेषण जारी है और आइंदा कल इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा।